नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डेली डिफेंस करंट और फॉरन अपडेट लाता रहता हूं। मुंबई स्थित मंच गांव डॉक यार्ड में 17 मई को दो स्वदेशी युद्धपोत लॉन्च किए जाएंगे। यह स्वदेशी युद्धपोत निर्माण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक दिन है। भारतीय वायुसेना के मुताबिक ये दोनों वॉरशिप यानी युद्धपोत INS सूरत यार्ड नंबर 12707 और INS उदयगिरी यार्ड नंबर 12652 के नाम से जाने जाएंगे। दोनों ही युद्धपोत का डिजाइन नौसेना के नेवल डिजाइन निदेशालय ने तैयार किया है। भारतीय नौसेना ने भारत के तटीय क्षेत्र और बंदरगाहों के शहरों के नाम पर INS श्रृंखला के युद्धपोतों के नामकरण की नीति की विकसित की है। इस तरह के नामकरण के लिए रक्षा विभाग के मानदंड विकसित किए हैं। INS प्रोजेक्ट 15B के तहत सूरत नौसेना का चौथा और अंतिम जहाज है, जिसे विशाखापट्टनम में आयोजित करने की योजना है। सूरत के नाम पर रखा गया युद्धपोत INS सूरत अब अरब सागर में दिखाई देगा, क्योंकि यह सूरत में उतरने वाला नहीं है। INS सूरत भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर दुश्मन के रडार की नजर से बचकर ऑपरेट कर सकता है। इसमें सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लगी होगी। इसमें आधुनिक सर्विलांस रडार फिट होंगे, जो टारगेट का डेटा सीधे वॉरशिप के वेपन सिस्टम में देगा। यह सबमरीन से भी निपटने में सक्षम होगा। प्रोजेक्ट 15B का पहला युद्धपोत INS विशाखापट्टनम पिछले साल यानी 2021 में भारतीय नौसेना में शामिल हो गया था, जबकि बाकी दो INS मारमुगाव और INS इम्फाल के ट्रायल चल रहे हैं। INS सूरत की विशेषताओं की बात करें तो INS सूरत एक 7400 टन का युद्धपोत है, जिसकी लंबाई 163 मीटर, बीम 174 मीटर, ड्राफ्ट 6.5 मीटर और इस जहाज में 9900 HP डीजल इंजन है, जिसमें WCM 1000 जनरेटर काटने की गति समुद्र में 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी 4 इंटरसेप्टर नौकाओं के साथ 4600 मीटर तक की फायर की क्षमता है। इस जहाज में नौसेना के 50 अधिकारी और 250 सैनिक सवार हो सकते हैं। लंबे समय तक चल सकता है यह युद्धपोत सतह से हवा में मार करने वाली BRAC-8 मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। साथ ही RBU-6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, 10 मिलारा 26mm नेवल गन, AK-630 स्टेबलाइजर रिमोट गन से गन फायर करने की सुविधा भी है। युद्धपोत की ऊपरी मंजिल उड़ान डेक और हेलीकॉप्टर हैंगर से सुसज्जित है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।